स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे स्पा सेंटरों पर छापा मारा है और वहां से 13 लड़कियों का रेस्क्यू किया। पुलिस ने स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाले स्पा संचालकों को भी पकड़ा है। पुलिस को लगातार स्पा में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने अंजलि सुधांशु स्पा सेंटर, 777 स्पा सेंटर सहित अन्य स्पा सेंटरों पर छापा मारा, जहां से पुलिस को बॉडी मसाज करने वाली लड़कियां और आपत्तिजनक सामग्रियां मिली। पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया है, साथ ही पुलिस ने स्पा संचालकों को भी गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने कहा कि इन स्पा सेंटरों पर जो ग्राहक आते हैं वो दूसरे शहरों के होते हैं, इनकी रसीद मसाज की काटी जाती है, लेकिन केबिन में युवतियों से मसाज के नाम पर गलत काम कराया जाता है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि शहर में कुछ स्थानों पर स्पा में अनैतिक गतिविधियाँ चल रही हैं। उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए जो है जिला स्तर पर टीमें बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी महिला श्रीमती अर्चना द्विवेदी और श्री अशोक परिहार और हमारी सब इंस्पेक्टर रूपा अग्निहोत्री और मनोज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारा पूरी 6 टीमें रवाना की गई थी, और जिनके द्वारा 4 स्थानों पर जो है रेड की कार्रवाई की गई, जहाँ 2 स्थानों पर जो है इस प्रकार की गतिविधियाँ पाई गई हैं। और इन जो जो स्पा सेंटर इस प्रकार की जहाँ पे अनैतिक व्यापार की चीज़ें पाई गई हैं, उनमें एक 777 और एक सुधांशु अंजलि करके जो है स्पा सेंटर्स हैं, उनके दोनों मालिकों के विरुद्ध, उनके मैनेजर के विरुद्ध जो है इसमें पीटा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान जो है एक स्पा सेंटर से 9 बच्चियों और महिलाओं को और एक स्पा सेंटर से 4 बच्चियों और महिलाओं को जो है रेस्क्यू किया गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।